यहाँ के मचलती हवाओं को सलाम है संगीता सिंह का। इस महफिल में आए हुए तमाम दोस्तों को झुककर प्रणाम है संगीता सिंह का, प्रणाम है संगीता सिंह का। स्वीकार हो तो प्यारा सा ताली का आशीर्वाद देंगे। क्या बात है। हेलो। और अभी आपने बड़ा ही प्यारा सा भजन का आनंद लिया। माँ आखिर माँ होती है, कहते हैं कि सारा दुनिया साथ छोड़ देता है मगर माँ और दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ता है। कभी माँ, कहा गया कि पूत भले ही कपूत हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती है। एक माँ वो भी है जिनके गोद में हम पलते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं। एक माँ वो भी है जिनके गोद में अभी आप बैठे हैं, जिनको धरती माँ के नाम से जाने जाते हैं। और इसी धरती माँ के मिट्टी से मूर्तिकार एक दिन एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के ऐसी प्रतिमा बनाते हैं, ऐसी प्रतिमा बनाते हैं कि सारा जग उन्हें माँ कह के पुकार उठती है। अपने अपने माँ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और कहना चाहेंगे कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। इधर भी हमारी प्यारी सी नंदी नंदी फूल आगे बैठी है। और कहना चाहेंगे कि गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, यार के गलियों में चाहे यार जाना छोड़ दे। हिंदू काशी छोड़ दे, काबा मुसलमान छोड़ दे, मगर माँ नहीं छोड़ती बेटों को, चाहे जमाना छोड़ दे, चाहे जमाना छोड़ दे। जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। कि गुलाब ख्वाब जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है। और मोम को आग के पास लाकर तो देखूं, और अगर हो आप सबों की इजाजत तो इनसे एक बार हाथ मिलाकर तो देखूं, अगर एक बार हो इजाजत तो। हेलो हेलो। कहना चाहिए कि अपना समझा था जिसे वही सितमगर निकला, अपना समझा था जिसे वही सितमगर निकला, मोम समझा था जिसे वही पत्थर निकला। और खार गुलाब क्या क्या इंतजाम करके रखे हैं इन्होंने हमसे पूछा। मैं कहना चाहूंगी कि आपके इस अदा का मैं क्या जवाब दूं, आपके इस अदा का मैं क्या जवाब दूं। अगर कोई बाग का खूबसूरत फूल होते तो मैं मंगवा लेती माली से, मगर जो खुद गुलाब है उन्हें मैं क्या गुलाब दूं, मैं क्या गुलाब दूं। और कहना चाहेंगे कि कभी राजा मंदी तो कभी बगावत है इश्क, कभी राजा मंदी तो कभी बगावत है इश्क, राधा की मोहब्बत तो मीरा की इबादत है इश्क। कहते मोहब्बत में पौ आधा, इश्क में सौ आधा, प्यार में पौ आधा। मोहब्बत कभी पूरा नहीं हुआ है, मोहब्बत में जब तक दूरी नहीं हो, तड़प नहीं हो, दर्द नहीं हो, करवटे नहीं हो, तो मोहब्बत मोहब्बत नहीं है। जिसका दिल टूटा है वो भी, जो मोहब्बत नहीं किए हैं वो भी, जो किए हैं वो भी। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग, ताली में कंजूसी नहीं करेंगे। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ आपकी हंसी बता रही है कि आप भी किसी ने छेड़ा है। कोई बात नहीं, बाद में जवाब देंगे। आइए हमारे प्रिंस जी। एक सेकंड मैम, जब आपने इश्क की बात छेड़ी दी है तो बस अंकल जी, अगर आपकी गुजारिश हो, आपकी राय हो तो एक बात कह दें इनके लिए, अगर आपकी परमिशन हो, क्योंकि इश्क के रास्ते जब इन्होंने चली दिया है तो पहले चार पंक्तियां आपकी प्यारी आवाज के लिए। कि इश्क ने हमें बेनाम कर दिया, इश्क ने हमें बेनाम कर दिया, हर खुशी से हमें अनजान कर दिया। कि कहना चाहूंगा आपकी प्यारी आवाज के लिए कि इश्क ने हमें बेनाम कर दिया, हर खुशी से हमें अनजान कर दिया, और हमने कभी नहीं चाहा कि हमें बेचो, कि हमने कभी नहीं चाहा कि हमें भी इश्क हो, मगर आपकी प्यारी आवाज ने हमें नीलाम कर दिया, आपकी प्यारी आवाज ने हमें नीलाम कर दिया। क्या बात, इसीलिए कहेंगे। और हाँ बोलिए ना मैम। पहले इश्क को आग होने दीजिए। क्या बात है। पहले इश्क को आग होने दीजिए, फिर दिल को राख होने दीजिए, तब जाके पकेगी बेपनाह मोहब्बत, जो हो रहा है बेहिसाब होने दीजिए।